तो बनाना पड़ेगा। चलो करते हैं फिर, आप जल्दी करेंगे इस बात। हाँ आइए, तो हमारे जो कल अशंदी के सूत्रों का जो कुछ अर्थ बताए थे, आज उनकी साधन का प्रयोग साधने का, तो प्रयोग साधने का मतलब प्रयोग साधने का तरीका। शुद्धि उपास्य क्या है? सु उपपद है, सु क्या है? उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। और धी क्या? धातु है, ध्यही चिंतायाम धातु से संप्रसार होकर के इत्यादि सब कार्य होकर के तब शुद्धि उपास्य शब्द, तब शुद्धि उपास्य बनता है। तो शब्द क्या? शुद्धोपास्य मतलब सुष्ठु धीर्यस्य, मतलब जो अच्छे बुद्धि के उपासक हैं, अच्छी बुद्धि को रखने वाले, शांत बुद्धि में भगवान का भजन करने वाले, उनको दुख सुख की कोई अनुभूति नहीं, मान के भजन में ही आनंद रहता है, ऐसी बुद्धि रखने वाले पुरुष, चाहे कुल हो, पुरुष हो चाहे स्त्री, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आया आपका शुद्ध द्योपास्य, ये शब्द है, आप इसको बनाना है, सुधी प्लस उपास्य। सबसे पहले सूत्रों का जो कारभार है संहिता संज्ञा करना, तो पराः सन्निकर्षा संहिता, क्योंकि सबसे पहले इसकी संहिता संज्ञा करेंगे तब जाके आगे का कार्य होगा हमारा, क्योंकि बिना संहिता के कोई सूत्र कोई कार्य नहीं करता। प्रायः पूरे अष्टाध्याय के मध्य में संहिता के अधिकार में ही सारे सूत्र आ चलते हैं। तो परा सन्निकर्षा संहिता सूत्र का तो संहिता संज्ञा का फल इको यणचि, एकर्ची सूत्र कहता है इका स्थाने इका यण स्यादचि संहितायाम विषये, इक पर यण आदेश होता है, तो इक बराबर ई उरी लिरी, और यण इक ई उरी लिरी का ठीक है, बराबर प्राय या ई के स्थान पे या होगा, उ के स्थान पे भ होगा, री के स्थान पे रा होता है, ला के स्थान पे री के स्थान पे ला होता है, ठीक है ना, यह प्रक्रिया है। इक्विटी कहता है संहिता संज्ञा, तो संज्ञा संज्ञा तो हुई परा सन्निकर्षा सूत्र से संहिता संज्ञा हो गई। ये परा सन्निकर्षा संज्ञा एक संज्ञा दे दी इसने, इसका फल है संज्ञा, संहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा बड़ों के अत से सामिप्ता की संधि को संहिता संज्ञा। तो यहाँ सकार उकार की संहिता संज्ञा होगी, उकार धकार की संहिता संज्ञा होगी, धकार इकार की संहिता संज्ञा, मतलब आपस में मेल हुए, ठीक है, हाँ संहिता संज्ञा होगी। अब एक और चीज ये कि एक और चीज सूत्र है संहितायाम, संहिता के विषय, हाँ ये संहिता का विषय है, संहिता हो गई है। इस संहिता सूत्र के अंदर मतलब मध्य ये जितने सूत्र हैं सब कार्य संहिता के अंदर ही कार्य करते, अधिकार सूत्र है ये, संहिता संज्ञा सूत्र दे दिया, वैसे तो अधिकार सूत्र इसके कार्य में ही फल। अब इकोरचि सूत्र कहता है इक के स्थान पर यण होता है, अच पर, तो यहाँ देखने हैं हमको कितने अच हैं, पहले सबसे एक देखने हैं एक के स्थान पर, एक के स्थान पर कहेंगे एक ये चार है, पर इसमें एक कितने, उ भी एक है, ई भी एक है, उपास का उ भी एक, तीन एक आ रहे हैं। दूसरा आया अच परे हो, तो अच मांगेंगे तो उ भी अच है, ई भी अच है, और किसको एक माने किसको अच माने, प्रश्न यहाँ अट गया आपका, किसको एक माने किसको अच माने, ऐसी अव्यवस्था हो गई। तो जब कहीं अव्यवस्था होती है तो व्यवस्था बनाने के लिए पंचायत लोग करते नहीं,
घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पंचायत, नहीं तो माता पिता की बात मान लेते हैं, यदि नहीं मानते तो पंचायत, पंचायत वो मानता उसकी बात मानते हैं, प्राय बात तो माननी पड़ती है कहीं। तो इसके यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर किसको करे संगीता तो सभी में है और तीनों एक है और तीन चार अच मिल रहे हैं, तो किसको एक माने किसको अच माने। ऐसी स्थिति में तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वश सूत्र आया हुआ क्या, तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वश यह सूत्र है, तस्मिन सप्तमी का एकवचन, इति अव्ययपद निर्दिष्ट सप्तमी का एकवचन, पूर्वस्य षष्ठी का एकवचन, परिभाषा सूत्र है। तो कल परिभाषा सूत्र की हमने परिभाषा भी लिखाई थी, अनियम नियम कारणीय थी परिभाषा, जहाँ अनियम हो वहाँ व्यवस्था बनाए, अब यहाँ अनियम मतलब अव्यवस्था हो रही तो व्यवस्था बनाने के लिए आया। तो क्या सप्तमी को निर्देश मानकर होने वाला जो कार्य हो वो वर्णों से रहित पूर्व को करना चाहिए, तो इसने स्पष्ट कर दिया सप्तमी को निर्देश मानकर। तो सूत्र सप्तमी क्या, अच अच को मानकर करने वाले अति ये है, ये अच को मान, तो अच को मानकर होने वाला जो कार्य है सप्तमी को मानकर वो वर्णों से रहित मतलब वर्णों का बीच में कोई व्यवधान ना हो और पूर्व को होना चाहिए। तो पूर्व मतलब होता पहले, इधर पहले परमिश होता बाद में, ठीक है, हाँ मतलब पूर्व मिश होता पहले परमिश होता बाद में। तो कहा यहाँ कर दो ये ऊ एक है बोले अच परे, हाँ मानकर अच नहीं किसका विधान है धकार का, अच तो है ई पर बीच में किसका विधान है, तो सूत्र क्या गया था वर्णों से रहित वर्णों का विधान, तो यहाँ विधान हो रहा होगा इसलिए इसका कार्य यहाँ नहीं होगा, बोले छोड़ दो अब इसको। फिर ये ई है बोले इस ई को कर दो, बोले कर दो कि इधर ये ऊ अच है, तो ऊ अच मिल गया, ई मिल गया हमें, तो कहा इस ई के स्थान पर ये आप यण आदेश कर दो, एक के स्थान पर चार आदेश कर दो, या बारह आला चारों की लॉटरी खुल गई, बोले अरे भाई भाई तो लॉटरी खुल गई, अब मैं तो चारों लोग जाएंगे इसके, इस ई के स्थान पर चार आदेश हो गए, कौन कौन से, तो अव्यवस्था फिर भी हो गई। अब स्थान एक है आदेश के कारण, अब चार आदमी है, अब एक गोली से चारों मारोगे तो मर पाएंगे, या मतलब एक रोटी है चार आदमी बैठे तो क्या भोजन करा पाएंगे आपको, तो उसके जिसको ज्यादा भूख लगी हो उसको बैठा लेंगे, अथवा किसी गद्दी के स्थान को देख लो, जो प्रधानमंत्री गद्दी है उसके योग्य होगा वही तो बैठेगा, ना कि ऐरा ऐरा नथु खरा नहीं बैठ पाएंगे, ऐसे ही कहा। तो अब क्या करना चाहिए, तो बोले इसका स्थान मिला हो, तो इसका स्थान क्या है, सूत्र अंतरतम, सूत्र क्या है, ये क्या कहता है, स्थान अंतरतम, स्थान सप्तमी का एकवचन, अंतरतम प्रथमा का परिभाषा सूत्र ये भी है, प्रसंगे सती सदृशतम आदेशा चार, ये कहता है अनेकों का प्रसंग होने पर समान आदेश होता है, तो समान आदेश क्या, इस ई का स्थान मिला है तो क्या मिले, तालू, इच्छी ऐसा नाम तालू, ठीक है, तो कहा इस इकार का स्थान है तालू, तो तालू स्थान वाला ही इनमें से बैठा लेना, तो इसमें तालू वाला ये आता है, क्या आता है, यह वार आला नहीं आते हैं, ये ओष्ट है, ये मूर्धा, ये दंत है, तो इसके या यण प्रत्यार में, यण प्रत्यार आदेश हो ना इके, तो यण आदेश हो रहा है प्रत्यार है, तो इक का स्थान है तालू, तो यहाँ स्थान तालू वाला कौन सा मिला, या मिला, तो या बैठेगा इस ई के स्थान पर, आदेश हो रहा है, तो आदेश क्या है, शत्रु होता है मार करके बैठता है, तो आगम नहीं है आदेश होता, इस ई के स्थान पर यह आदेश, तो सु द या उपास्य, हाँ ये के स्थान पर, तो यह हल होगा, तो हल हो गए। अब आगे सूत्र क्या है, अनची चा, अनची सप्तमी का एक उच्चन, चा व्यय पद है, क्या कहता है,
अच्छा परस्य यरो द्वे वास्तव होना त्वचि, अच से परे जो यर उसको द्वित्व होता है, अच परे होगा तो नहीं विकल्प से, तो अच से परे जो यर, अब यर प्रत्याहार देखा आपने, आपका यर प्रत्याहार बनाए हैं आपने, तैयार किए हैं, बनाइए बार बार तब तैयार होगा, नहीं तो ऐसे नहीं। तो अच से परे सकार उत्तरवर्ती उकार क्या है ये अच, इससे परे ध ईयर में आता है, ये भी ईयर में आता है, ये कि इसको डेट कर दो बोले अच से परे नहीं, धकार का बीच में व्यवधान है तो इस धकार का ही द्वित्व होगा, तो दो धा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे द्वित्व मतलब डबल ध ध या उपास्य, यह स्थिति आपकी तैयार हो गई। तब सूत्र आया आगे का, झलाम जस जसी, ये कहता है स्पष्टम मतलब स्पष्ट कर, झलों को जस होता है, जस परे रहते, तो अब प्रत्याहार हम फिर देखेंगे, झल देखेंगे प्रत्याहार, क्या देखेंगे तो झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं।